सो व्हाट्सअप एमएम फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एमएमटे। और आज हम बात करने वाले हैं विंडोज ओरिजिनल और विंडोज क्रैक वर्जन के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो बिना देरी करे चलिए आगे बढ़ते हैं। ओएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बिना आपका पीसी चल ही नहीं सकता। वो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर हम अपने बाकी ऐप्स उस पर रख सकते हैं। वो इसके बहुत सारे वैराइटीज होते हैं अकॉर्डिंग टू डिवाइसेस, लाइक मोबाइल में जैसे एंड्रॉइड और iOS है, वैसे ही कंप्यूटर के लिए विंडोज है, लिनक्स है और मैक है। और कई लोग इन्हें खरीदते हैं और कुछ इन्हें फ्री में पायरेट कर लेते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूँ विंडोज क्रैक और ओरिजिनल में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट डिफरेंस आता है कॉस्ट के बारे में। अगर आप क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं तो वो आपको पूरी तरह से फ्री में मिलेगी, और दूसरे से अगर आप विंडोज परचेस करते हैं तो वो तो थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा। और अगर आप मल्टीपल पीसीज यूज़ करते हैं तो आपका खर्चा तो और भी बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है सिक्योरिटी के बारे में। अगर आप क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा रिस्क है मैलवेयर और स्पाइवेयर होने का, क्योंकि इस ज़माने में तो कोई कुछ फ्री में देता नहीं और आपको ये तो पूरी तरह से फ्री में मिल रहा है। और दूसरे साइड अगर आप देखें तो विंडोज़ तो पेड है लेकिन उसकी सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है और आपको कोई इस सब चीज़ का खतरा नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है आता है कि अगर आप क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं तो इसके 100% चांसेस है कि आप अपना ओएस कभी अपडेट नहीं कर पाएंगे और इसके वजह से आपके कुछ आप काम करना भी बंद कर सकते हैं। फिर भी अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती से अपडेट करवाना चाहें तो आपका पीसी नहीं चलेगा, क्योंकि विंडोज़ आपको पकड़ लेगा वहाँ पर और आपका पीसी वहाँ पर ही फ्रीज कर देगा। और दूसरे साइड अगर आप ओरिजिनल वर्जन यूज़ करते हैं तो ये सब चीज़ों का कोई खतरा नहीं, आप बिंदास अपना पीसी यूज़ कर सकते हैं और ऐप अपडेट कर सकते हैं। तो भाई लोग आज का वीडियो यहाँ तक ही था। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसी लगी है वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।